हर फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हर एक धर्म की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं में भी उनका एक पहनने के लिए अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो एक काला कलर का वस्त्र पहनती है, जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं। लेकिन वो क्यों पहनती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, तो आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्लिम महिलाएँ बुर्का क्यों पहनती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह डेली कुछ ना कुछ नया आपको बताते रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे, अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो डेली पाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। यदि हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक, तो इस्लाम धर्म की हर एक औरत को अपने सिर से लेकर पाँव तक गैर मर्दों से छुपाना ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम आपसे बताएं तो जब कभी मुस्लिम औरत अपने घर से बाहर जाती हैं तो उनको गैर मर्दों से की नज़र उनके ऊपर ना पड़े, इस वजह से मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं, लेकिन काला कलर का बुर्का क्यों पहनती हैं ये बताता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके सबसे पवित्र पुस्तक कुरान में यह माना जाता है कि काला रंग चिंता और प्रतिशोध का प्रतीक है। एक सभ्य नारी को चिंतन करना चाहिए और किसी भी नारी के साथ गलत होने पर उसका प्रतिशोध भी लेना चाहिए। यही कारण है कि मुस्लिम धर्म की महिलाओं को सभ्य करने के लिए यह प्रथा चलन में लाई गई थी, जो आज भी चल रही है। तो ये रही दोस्तों आज की जानकारी।